राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुना दी 2 साल की, और तुरंत ही राहुल गांधी की सांसद की जो सदस्यता थी उसको भी निष्कासित कर दिया और उनको संसद से बाहर कर दिया। ये सब कुछ इतना तुरंत फुरत में हुआ कि हर किसी के समझ में आ गया कि मामला क्या है। अडानी पर सवाल पूछना ही राहुल गांधी को भारी पड़ गया। लेकिन ये क्या बात हुई, सजा सुनाते ही संसद की सदस्यता समाप्त करके पूरा के पूरा विपक्ष अब एक हो गया। और तो और, जो बात अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी ने जो कही है सरेआम सोशल मीडिया पर सदन के अंदर, वो ऐसी बात पीएम नरेंद्र मोदी के लिए शायद पहले कभी किसी ने नहीं कही हो। पहले आप देखो कि अरविंद केजरीवाल ने सदन के अंदर क्या कहा। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग तो, बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, इतनी बुरी तरह से शायद किसी ने नहीं कहा होगा भारत के इतिहास का सबसे भ्रष्ट और सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बता दिया अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को। ये मतलब अब क्या ही कहा जाए। और यही नहीं, प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है और फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है, शायद इस तरीके का ट्वीट पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। आप खुद देखिए, आपको ये ट्वीट और सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को लिखते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी को की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए? आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की है, पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। कायर सत्तालोभी तानाशाह,
इतने कठोर शब्दों में इससे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री को किसी ने संबोधित किया होगा जो प्रियंका गांधी ने किया। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा ने राहुल गांधी पर यह जो एक्शन लिया है, वो एक्शन लेकर उसने एक तो विपक्ष को एक कर दिया और राहुल गांधी का कद और ज्यादा बढ़ा दिया। राहुल गांधी के सवालों से शायद मोदी इतना डर गए कि उन्होंने उन्हें संसद से बाहर करवा दिया। और ये बिल्कुल साफ बात है कि राहुल गांधी ने अडानी पर सवाल करे और उनके सवाल हैं तो जवाब तो देने पड़ेंगे, चाहे वो संसद में हो या बाहर हो। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करते ही ये एक और डीपी जो चल पड़ी कि डरो मत। आखिर तानाशाह बनकर किस किस को डराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस किस को जेल भेजा जाएगा? डर खत्म होने के बाद में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र है, जवाब तो जनता को देना पड़ेगा।